हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से आगे डिस्कशन करेंगे इन एक्सरसाइज नंबर 6.3। टॉपिक इज टेंजेंट एंड ऑर्डर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 15, एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स, सॉरी टेंजेंट है ये, टेंजेंट टू द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, विच इज फर्स्ट पार्ट है बेटा पैरेलल टू द लाइन, लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। बी पार्ट दिया हुआ है इफ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, लाइन की इक्वेशन दे रखी है 5y माइनस 15x इज इक्वल्स टू 13। ये क्वेश्चन हमें गिवन है। तो बेसिकली हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड वी हैव इक्वेशन ऑफ कर्व इज y = x² - 2x + 7 एंड कंडीशन गिवन कंडीशन इज टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन फर्स्ट y, और सेकंड टाइप में कह रहे हैं कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो वी नो दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन स्लोप्स आर इक्वल, उन दोनों के स्लोप जो होते हैं इक्वल होते हैं। अगर दो लाइन सेम होती है तो m1 = m2 होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले बोला गया है कि जो टेंजेंट है हमारी वो इस लाइन के पैरेलल है। तो अगर कोई टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल होती है तो हमें टेंजेंट का स्लोप जो हम डिफरेंशियल से निकालेंगे वो, और जो लाइन का स्लोप है वो हमें इक्वल रखना होता है। लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं हम लोग, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, उस तरीके से। ठीक है, उस तरह कुछ कंडीशन में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ता है, जब भी हम क्वेश्चन करते हो टेंजेंट नॉर्मल का, सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना होता है, है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जिस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं x1 y1। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं 14 तक, सबसे पहले हमने यही डिस्कशन करा है कि भाई x1 y1 पॉइंट होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को आगे बना पाते हैं। ठीक है, तो x1 y1 हमें सबसे पहले पॉइंट लेट करना पड़ेगा। तो लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 कॉमा y1, मैंने जो पॉइंट मान लिया कर्व को लेट कर लिया x1 कॉमा y1। अब हमारी जो कर्व की इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल्स टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7, ये हमारी कर्व की इक्वेशन है, इसको हम हमेशा इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। अब ये x1 y1 इस कर्व की इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें y1 की वैल्यू मिल जाएगी x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, दिस इक्वेशन नंबर 2, इसका काम केवल कितना है, लास्ट में y1 की वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। लास्ट हम डिफरेंशियल करना चाह रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट हम डिफरेंशियल करते हैं, y का डिफरेंशियल हमें मिल जाएगा dy/dx विच इज 2x माइनस 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए क्या करेंगे आप लोग, स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आप जानते हो अच्छे से कि हम x1 y1 जो लेट करते हैं वो स्लोप में पुट कर देते हैं, डिफरेंशियल में पुट कर देते हैं 2x1 माइनस 2, ये हमने इसमें पुट कर दिया बेटा। ठीक है, तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट से, क्योंकि हमें x1 की वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन वाला कहता है कि भाई जो आपका टेंजेंट है वो पैरेलल इस लाइन के, दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन। तो गिविंग क्या है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। तो हमें पता ही है कि जो टेंजेंट का स्लोप हम निकालते हैं वो स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, टेंजेंट का स्लोप निकाल चुके हैं फिलहाल 2x1 माइनस 2, और लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स 2 अपॉन कॉफिशियंट ऑफ वाई माइनस 1। तो 2x1 माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 2, ओके, देन 2x1 इज इक्वल टू 4, 2x1 इज इक्वल टू 4, सो x1 इज इक्वल टू 2, तो x1 की वैल्यू 2 आ गई। अब y1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, x1 की वैल्यू 2, x1 = 2 कहां रख देंगे, इन इक्वेशन नंबर
टू में रख देंगे, एक्स वन की वैल्यू टू को जब आप इक्वेशन नंबर टू में रख दूंगे तो आपको वाई वन मिल जाएगा टू का स्क्वायर फोर, टू टू जब फोर प्लस सेवन, ठीक है, तो फोर से फोर गया तो वाई वन की वैल्यू आ गई सेवन। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट आ गए वो क्या आ गए, वो कोऑर्डिनेट आ गए टू कॉमा सेवन, कोऑर्डिनेट टू कॉमा सेवन आ गए। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन की प्लेस पर क्या चला जाएगा सेवन, इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह क्या चला जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या है टू, है ना, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप लाइन के स्लोप के इक्वल है, तो लाइन का स्लोप ने टू निकाला तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह क्या रख देंगे टू, और एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन की जगह पुट कर दोगे आप ये टू, सिंप्लीफाई कीजिएगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड हो जाएगी, ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा आगे नहीं ले जाता, आप अपने आप निकाल लें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इस कर्व पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको खुद फाइंड करनी है, आपको एक्स वन वाई वन पता है, आपको स्लोप और आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट पता है, ठीक है। अब मैं चलता हूं सेकंड पार्ट पे, सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि भाई ये सेकंड पार्ट पूरा पहले यहां तक ही होगा पूरा कंप्लीट, सो बस यहां पर हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा सेकंड पार्ट के लिए, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। सेकंड पार्ट कैसे करेंगे देखिए, ये तो बिल्कुल सिमिलर भी होना है, मतलब सेकंड पार्ट में उसने बोल रहा है कि बोला हुआ है कि जो टेंजेंट है ना हमारी वो इस लाइन के, गिवन लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, सेकंड पार्ट में ये बोला हुआ है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, सेकेंड पार्ट कहता है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन, तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू माइनस वन, टेंजेंट का स्लोप हम निकाल चुके हैं टू एक्स वन माइनस टू, इसको ब्रैकेट में लिखो, लाइन का स्लोप माइनस कॉफिशियंट ऑफ एक्स 15 हो गया माइनस का, अपॉन कॉफिशियंट ऑफ वाई 5 हो गया इज इक्वल्स टू माइनस वन, 5 थ्री या 15 तो यू गेट टू एक्स वन माइनस टू इंटू थ्री इज इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक है, 3 से इंटू हो गई तो ये हो गया 6 एक्स वन माइनस सिक्स इज इक्वल्स टू माइनस थ्री, सॉरी माइनस वन, है ना, क्लियर हो गया बात का, 5 थ्री या 15 माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, 3 से इंटू अंदर कर दिया यहां पर इधर माइनस वन, अब ये बेटा ये हो जाएगा आपका 6x1 is equals to 6 minus 1 यानी 5, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी बेटा x1 is equals to 5 by 6, you get x1 is equals to 5 by 6, अब ये x1 equal to 5 by 6 के साथ आप क्या करोगे, जो पहले करा x1 की वैल्यू 5 by 6 किसमें पुट कर दोगे, इक्वेशन का पुट 2 में पुट कर दोगे, जब x1 की वैल्यू 5 by 6 इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर टू में पुट कर दीजिए एक्स वन की वैल्यू 5/6, वहां से आपको वाई वन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, वाई वन की वैल्यू मिल गई, आपको क्या क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार, एक्स वन की वैल्यू 5/6 हमने फर्स्ट में पुट कर दी थी, फर्स्ट इक्वेशन सॉरी सेकंड में पुट कर दी, सेकंड इक्वेशन क्या थी वाई वन एक्स वन टू एक्स वन ये सेकंड हो गया, तो वाई वन इज इक्वल्स टू हो गया, अगर हम 5/6 रखते हैं तो 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7, है ना, 10/6 प्लस 7, तो ये हो गया वाई वन इज इक्वल्स टू 25/36 माइनस 60/36 प्लस 7, तो y1 वन इज इक्वल्स टू आ जाएगा 36 25 माइनस 60 प्लस 7, ठीक है बेटा, तो कितना हो गया 10 में से 5 5 हो गए और 5 2 3 हो गए 35 हो गए माइनस के अपॉन 36 प्लस 7, ठीक है, 10 5 5 5 2 3 एलसीएम ले लो, तो y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 35 प्लस 7 6 जब 42 4 कैरी 21 और 4 25 252 अपॉन 36, कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेना, फिर भी अब इन दोनों को माइनस कर दोगे तो आपको y1 की वैल्यू मिल जाएगी
वाई वन की वैल्यू आ गई, एक्स वन की वैल्यू आ गई। अब आपके पास क्या चाहिए आपको, आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ, आपको चाहिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पुट कर देंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। वाई वन की वैल्यू निकाल लीजिएगा 12, 5 कितने हो गए 7, यहाँ बचे कितने 4, 4, 3, 1 और बेटा ये हो गया 2, 2, 1, 7 अपॉन 36 हो गया। 12 में से 5 गए 7, ठीक है ना, और 4 में से 3 1 और 2 गए, ठीक है। तो अब हमें क्या करना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला है वाई माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू कितनी निकाल दी, और 2, 1, 7 अपॉन 36 वाई माइनस वाई वन। उसके बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट, अगर आपको याद होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला था 2x1 - 2, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, इनटू x माइनस x1 कितना 5/6। अच्छा x1 की वैल्यू 5/6 आप यहाँ भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो, रखनी पड़ेगी। तो y माइनस 217 अपॉन 36 स्लोप ऑफ टेंजेंट में x1 की वैल्यू यहाँ पर भी लगा देते हैं 5/6, तो 2 × 5/6 -2 × x - 5/6। अब आगे की कैलकुलेशन मैं नहीं करूंगा, आप करोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लीजिए इस। अभी मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन के जैसे क्वेश्चन और कौन कौन से हैं। देखिए इस क्वेश्चन की तरह ही क्वेश्चन नंबर 21 ऐसी होगा, सेम एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 21 आप खुद कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 एज इट इज है। क्वेश्चन नंबर 25 ये भी ऐसी है, हम एक्सरसाइज 6.3 की बात कर रहे हैं। 21, 25 एज इट इज होगा बेटा, ठीक है। और 26, 27 भी आप कर सकते हो, 26 एंड 27 भी हो जाएंगे आपसे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको खुद ही बनाने हैं, ठीक है। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पे, ये आप खुद करोगे 21, 25, 26, 27, ठीक है। ये तक जो मैं कंसेप्ट पढ़ा है उससे हो जाएंगे। अच्छा इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन और भी हैं, चलो मैं बता ही रहा हूँ, पढ़ी से कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी बेटा एज इट इज है, 19 में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, और टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो पता ही है, d/dx जीरो रखोगे x1 y1 की वैल्यू आई जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 में भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 20 भी हो जाएगा, 19, 20, ठीक है, 19, 20 हो जानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी इनमें। 22 भी हो जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 22 ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। आपको डायरेक्ट इक्वेशन और टेंजेंट और इक्वेशन को नॉर्मल कैलकुलेट करनी है बस, ठीक है। तो ये तो वो क्वेश्चन है जो आपको खुद करने हैं, 21, 25, 26, 27, 19, 20 और 22, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके 5, ये 5 क्वेश्चन तो आपके होमवर्क के हो गए, ये आपको करने हैं अपने आप, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो किसी बच्चे को तो वो मेरे से पूछ सकता है, यहां तक का कोई डाउट हो। 6.3 में 21, 25, 26, 27, 19, 20, 22 ये आपको अपने आप ट्राई मारने हैं। ठीक है, तो इसको हटा लेता हूं।
क्वेश्चन की जो मैंने आपको कंडीशंस बताई है ना, जो क्वेश्चन करने की जो ट्रिक्स बताई है, वो ट्रिक्स आप बड़े अच्छे से एक बार पढ़ लेना, है ना, उसके बाद क्वेश्चंस को करना, हो जाएंगे क्वेश्चंस में, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज्यादा इजी है ये टॉपिक। क्वेश्चन 16 की बात करेंगे, क्वेश्चन 16 है, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है y = 7x³ + 11, और हमने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एट x = 2 एंड x = -2। हमें ये शो करना है कि इन दोनों पावर कोऑर्डिनेट्स पर टेंजेंट्स पैरेलल हैं। शो दैट फॉर दिस कर्व द टेंजेंट्स आर पैरेलल इफ x = 2 एंड x = -2 टू डिफरेंट पॉइंट्स है, ठीक है। इन दोनों डिफरेंट पॉइंट पर हमें ये प्रूव करना है कि इस कर्व का जो टेंजेंट है वो क्या होना चाहिए, वो आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका डिफरेंशियल लेना है, dy अपॉन dx का डिफरेंशियल आएगा 21x², ठीक है। अब सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट फ्रॉम फर्स्ट कर्व x की वैल्यू 2 पुट कर दो, कितना हो गया m1 84, ठीक है। उसके बाद फिर m2 कैलकुलेट करना है, अब x की वैल्यू -2 पुट कर दो, इसमें -2 21 × -2² भी कितना होता है 4 होता है ना, तो m2 की वैल्यू भी कितनी आ गई 84 आ गई, तो m1 = कितना हो गया m2। और इफ m1 = m2 दिस कंडीशन शो दैट द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर, बोथ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा इजी क्वेश्चन, हो गया 16 क्वेश्चन भी। नाउ 17 क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या है, 17 क्वेश्चन ये है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x³, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y = x³ एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, है ना। हमें इस कर्व पर वो पॉइंट फाइंड करना जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हो। तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो y = x³ को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, लेट पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये हमने बेटा मान लिया x1, y1 इसे पुट कर दोगे तो y1 = x³, इक्वेशन 2 बन जाएगी आपकी। अब इक्वेशन नंबर 1 का डिफरेंशियल किया dy अपॉन dx, ये आ गया 3x² को, तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट जब हम बनाते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं, तो ये आ गया x की जगह हम x1 रख देंगे तो 3x² आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट बन गया। अब क्वेश्चन में क्या दिए हैं, है ना, कंडीशन ऑफ टेंजेंट सीधा कंडीशन क्या दिए हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के इक्वल, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 3x² y कोऑर्डिनेट कितना आपके कर्व का y1 आ गया। अब आप देखोगे तो ये भी इक्वेशन बन गई, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान लेता हूँ, तो y1 = 3x² आ गया, ये y1 की वैल्यू और एक y1 की वैल्यू आपके पास सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर देते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड साइमल्टेनियसली, देन y1 एंड y1 दोनों इक्वल हो गए, तो 3x² = x³ हो गया, क्योंकि हम x1 की वैल्यू निकाल रहे थे, कैंसिलेशन नहीं लगेगा, सीधा करेंगे x³ - 3x² = 0, कॉमन x² ले लेंगे, x1 - 3 = 0, यहाँ से एक x1 की वैल्यू 0 आएगी और एक x1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। ये दो कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए, x1 0 और x1 3। अब x1 की वैल्यू 0 जब आप इक्वेशन 2 में डालोगे तो y1 की वैल्यू भी 0 आएगी, और जब x1 की वैल्यू 3 आप इसमें पुट करोगे तो y1 की वैल्यू आपकी
27 आ जाएगी। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट क्या क्या आ गए आपके पास? जिसने कोऑर्डिनेट हमसे पूछे थे वो कोऑर्डिनेट कितने आ गए? वो कोऑर्डिनेट आ गए आपके 0.0 एंड 3.27। 0.0 और 3.27 हमारे रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट 17 भी हो गया आपका। 17 के बाद 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 18, फोर द कर्व, कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू 4x³ - 2x⁵5। फॉर दिस कर्व फाइंड ऑल पॉइंट्स, इस कर्व के लिए वो पॉइंट हमें फाइंड करने हैं एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, ये वाले कंडीशन दे रखी है, जो आपका टेंजेंट है एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन का मतलब है कि आपको क्या करना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है और उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को ओरिजिन से सेटिस्फाई कराना होगा अगर टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है तो। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है, और टेंजेंट की इक्वेशन जब निकलेगी जब आपको ये कोऑर्डिनेट बताऊं, तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, लेट कर लेना है कोऑर्डिनेट्स को। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, लेट कोऑर्डिनेट हमने मान लिया पी x1, y1। ये x1 y1 क्या करेगा, सेटिस्फाई कर देगा, तो आपका बन गया y1 = 4x³ - 2x⁵। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, हाँ, तो नॉट डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, dy/dx is 12x² - 10x⁴। स्लोप ऑफ टेंजेंट, फोर स्लोप ऑफ टेंजेंट, सब्स्टिट्यूट x1 y1 इन डिफरेंशियल कॉफिशियंट, है ना, डिफरेंशियल कॉफिशियंट की जो वैल्यू है उसमें x1 y1 की वैल्यू पुट हम कर देते हैं, तो 12x² - 10x⁴। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, सॉरी इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारा क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। बट काम तो हमारा टेंजेंट के स्लोप से नहीं है ना, काम इस बार हमारा टेंजेंट से चलना है, क्योंकि टेंजेंट ही तो पास हो रही है ओरिजिन से, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल देते हैं यहां पर, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पर, एट पॉइंट भी हमें नहीं पता, x1 y1 ही पता है फिलहाल, x1 y1। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, y - y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया 12 x1² - 10x⁴ इंटू x - x1 कितना, x1 ही, ये आपकी इक्वेशन थर्ड आ गई, ये टेंजेंट की इक्वेशन आपने बना दी। क्वेश्चन क्या रहा है कि ये टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना, दिस लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन 0 0, तो x और y की जगह 0 0 पुट कर दीजिए अगर ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो। इफ वी टेक एक्स एंड वाई बोथ 0, सो वी गेट y - y1 = 12
x1 square minus 10 x1 whole power 4 and minus x1, ठीक है, तो माइनस से माइनस से मैं कैंसिल कर देता हूं, तो y1 is equal to आ गया 12 x1 cube minus 10 x1 5, this is equation number 4, ओके तो अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 है, इन दोनों को हम साइमल्टेनियसली इजीली सॉल्व कर सकते हैं और हम y1 या x1 की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्विंग सेकंड एंड फोर्थ, सॉल्विंग सेकंड एंड फोर्थ, तो जब सेकंड और फोर्थ को सॉल्व करोगे इक्वल रख के दोनों को, तो क्या होगा, देखिए सॉल्विंग सेकंड एंड फोर्थ, तो बेटा ये होगा 12 x1 क्यूब माइनस 10 x1 की पावर 5, ठीक है, ये वैल्यू मैंने y1 की अगर यहां रख दी, ये ऐसी आएगी 4 x1 क्यूब माइनस 2 x1 होल पावर 5, ठीक है, कितना हो गया, 8 x1 क्यूब माइनस 8 x1 5 इक्वल टू 0, now taking common 8x1 cube and 1 minus x1 square equal to 0, we get x1 is equals to 0 or x1 is equals to plus minus 1, x1 is equals to plus minus 1, ठीक है, अब x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई, चलिए x1 की जो वैल्यू 0 है वो हम इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, तो मुझे y1 की वैल्यू 0 मिलेगी, तो मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया 0 0, ठीक है, फिर मैंने x1 की वैल्यू 1 इसमें रख दी, जब मैंने x1 की वैल्यू 1 ली तो मुझे y1 की वैल्यू मिलेगी बेटा 4 minus 2 यानी कि minus 2 है ना, y1 की वैल्यू मिलेगी मुझे minus 2, मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 कॉमा minus 2, और अगर मैं x1 की वैल्यू minus 1 लेता हूं, we take x1 is equals to minus 1, ठीक है, x1 is equals to minus 1, तो अगर x1 की वैल्यू मैं minus 1 लेता हूं, तो minus 1 लेने से मुझे y1 की वैल्यू मिल जाएगी minus 4 plus 2, है ना, minus 1 यहां रखा, minus 1 यहां रखा, तो y1 is equals to आ गया minus 2, मेरे पास अगला कोऑर्डिनेट आ गया minus 1 comma minus 2, ठीक है, तो अब आप जो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालोगे मुझे ये बता दो, उसने जैसे तुमसे पॉइंट ही पूछा है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट थोड़ी पूछी है, इसने तो केवल हमसे ये पूछा है कि भाई पॉइंट बताओ जहां पर ये जो कर्व है ये किससे पास हो रहा हो, ये ओरिजिन से पास हो रहा हो, है ना, ओरिजिन से पास करवा दिया आपने, तीन कोऑर्डिनेट आपके पास आ गए, क्या क्या आंसर आ गया आपका, 0 0 1 कॉमा 2 और माइनस 1 कॉमा माइनस 2, ये बेटा प्लस का 2 आया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, प्लस 2 है, ठीक है, ये हमारे तीन रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स हो गए, तो आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है भाई, 18 भी हमारा कंप्लीट हो गया, 19 आपको करना ही है, 20 भी आपको होमवर्क में दिया हुआ है, 21 भी आपको होमवर्क में दिया हुआ है, 22 तक आपको होमवर्क मिला हुआ है, अब हम अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 23 और 24 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ओके, थैंक यू।